हेलो फ्रेंड, श्वेता हियर। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2। मींस रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हमारी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। मोस्टली जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हमारे लंग्स में होता है। मींस हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है वो हमारा लंग है, लेकिन लंग्स तक जाने के लिए नंबर्स ऑफ ऑर्गेन्स हेल्प करते हैं। इसलिए हम अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोज। मींस अगर हम कोई भी एयर को लेंगे या मतलब इनहेल करेंगे एक्सहेल करेंगे तो हम नोज के थ्रू करेंगे। फिर एक देखिए हमारा लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियाइस, लंग्स, एल्वोलाई। अब इन्हें देखते हैं डिटेल में ये चीज़ें क्या है। अब देखिए हमारी नोज, आप सबको पता है कि ये हमारा एक आउटर ऑर्गेन है जिसके थ्रू हमने ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। अब जब हमारी नोज अंदर की तरफ जाएगी तो हमें देखिए यहाँ पर एक ट्यूब है, इस ट्यूब को यहाँ पर जो थोड़ी ब्रॉड होगी इसको हम कहेंगे लैरिंग्स। अब लैरिंग्स और नीचे जाती है तो ये ट्यूब सीधी हो जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया नीचे जाकर दो पार्ट में डिवाइड होगी, इन दोनों पार्टों को हम कहेंगे ब्रोंकस। अब ये जो हमारे ब्रोंकस हैं ये हमारे ब्रोंकियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो हमारे ब्रोंकीज हैं ये फाइनली हमारे छोटी छोटी स्मॉल हमारे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे लास्ट में, जिसको हम कहेंगे एल्वोलाई। और ये सारे जो हमारे पार्ट्स हैं वो हमारे लंग्स में होते हैं, और लंग्स हमारे आप सबको पता है कि दो लंग्स होते हैं हमारे, लेफ्ट और राइट लंग्स। इसको देखिए हम इसे डिटेल में देख सकते हैं कि हमने नोज के थ्रू एयर को लिया, अब हमारी एयर आगे पास हुई तो ये हमारा हुआ हमारा लैरिंग्स। इधर देखिए ये हमारा हुआ लैरिंग्स, फिर ये हमारी जो ट्यूब आई ये हमारी ट्रैकिया हुई। हमारी ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुई जिसको हमने कहा ब्रोंकस कहा। ब्रोंकस हमारे फर्दर डिवाइड होती है, ये देखिए ब्रोंक्यूल्स में, और हमारे ब्रोंक्यूल्स फिर लास्ट में जिसपे एक कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर होता है या कह सकते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, जहाँ पे हमारी जो एयर है वो स्टोर होती है, इसको हम कहते हैं एल्वोलाई या एयर सैक भी कहते हैं। और ये हमारे दोनों लंग्स में ही प्रोसीजर होता है, और दोनों लंग्स में हमारे लेफ्ट में अलग होंगी डिवीज़न और राइट लंग में अलग डिवीज़न होंगी। आइए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो एयर कंटेन ऑक्सीजन टेकन बाय नोज, कि जो भी ऑक्सीजन जिस भी एयर में थी वो हमने नोज के थ्रू लिया। वेयर इट फिल्ट्रेट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया एंड सो मैनी अदर थिंग्स बाय म्यूकस एंड हेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। मीन्स हमारे नोज के अंदर जो हमारे हेयर्स प्रेजेंट हैं और म्यूकस होता है उसके थ्रू जो भी हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल हैं या बैक्टीरिया हैं वो फिल्टर होके आगे जाते हैं। अब जो हमारी एयर पासेस थ्रू लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। मींस जो हमारी बेसिक जो आवाज़ है वो यहीं से निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। ये सिर्फ एक पैसेज है जिसका मेनली कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ जो भी हमारी गैसेज हैं उनको लंग्स तक पहुँचाते हैं। तो अभी अब कहाँ पास हुए, हमारे लैरिंग्स में गए। अब जो लैरिंग्स से हमारी रीच टू ट्रैकिया, अब लैरिंग्स हमारी आगे जाते जाते ट्रैकिया में मिलती है, मींस जो एयर है वो ट्रैकिया में पहुंचेगी। अब ट्रैकिया हमारे डिवाइड होते हैं टू स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हमने कहा है ब्रोंकस, और अगर हम इसको प्लूरल बोलेंगे तो हम इसको ब्रोंकाई भी कहेंगे। अब हमारी ब्रोंकाइज फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकियस में, और फिर हमारी एंड होती है एल्वोलाई में। अब देखते हैं क्या इसका मैकेनिज्म क्या है। आइए अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है वो हमारे टू स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इनहेलिंग, और हमारा सेकेंड स्टेप होता है हमारा एक्सहेलिंग। अब देखिए इनहेलिंग में हमारा क्या होता है कि जो रिब्स की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब रिब्स की मसल्स यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि जो भी हमारे लंग्स हैं वो रिब्स के अंदर होते हैं, वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो हमारा डायफ्राम होता है, जिसको हम चेस्ट फ्लोर भी कह सकते हैं,
वो होता है मूव डाउन, मीन्स ये जो हमारी रिब्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हुई और हमारा डायफ्राम थोड़ा सा नीचे हुआ। जैसे ही हमारा डायफ्राम नीचे खिसकेगा तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटीज इंक्रीज, जो भी हमारे चेस्ट कैविटी मीन्स जो हमारा चेस्ट का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा हमारे लंग्स के अंदर और एयर्स जो भी है हमारी अंदर एंटर करेगी। अब इसके अपोजिट में जो हमारा एक्सहेलिंग का प्रोसेस है, मीन्स अब एक्सहेल करना मीन्स गैस को बाहर निकालना, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे रिब्स की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अब वो अपनी नॉर्मल पोजिशन में आती है। जैसे हमारी रिब्स की मसल्स नॉर्मल होती हैं हमारा डायफ्राम मूव अप मीन्स जहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी वो वहीं पर वापस आ जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज हो जाता है और जो हमारी एयर है वो लंग्स के बाहर आ जाती है। इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे कि जब लंग्स में हमारे एयर आ जाती है उसके बाद क्या होता है। अभी हमने देखा था कि हमारा जो एल्वोलाई है, जो हमारा लास्ट पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, यहाँ पे जो भी हमारी एयर है वो इकट्ठी हुई, मीन्स वॉल ऑफ एल्वोलाई हैव नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है, मतलब ब्लड की स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, तो हमारे जो एल्वोलाई है उसमें बहुत सारे ब्लड की ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, जहाँ पर हमारा जो भी ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाता है, मीन्स इस ब्लड की जो कैपिलरीज है इनमें ब्लड भरा हुआ है, इसमें हमारा जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व हो गया। दिस ऑक्सीजन इज कैरिड बाय RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स, तो हमारा जो भी ऑक्सीजन है वो आगे जाता है RBC के थ्रू टू होल बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट में। इसके बीच में एक मेन प्रोसीजर और होता है कि देखिए जो RBC होता है इसका रेड कलर होता है, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से। तो जब भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है हमारा ब्लड में वो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का प्रोडक्ट बनाता है। देखिए ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा प्रोडक्ट बना। अब जो भी हमें आगे जाएगा वो ये इसी फॉर्म में जाएगा, मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है हमारा ब्लड के थ्रू जो भी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं और वहाँ तक जाएगा। अब ये जो टिश्यूज़ से बाकी बॉडी पार्ट में गया वहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा हमारे सेल्स में, आपको पता है कि टिश्यूज़ हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो पर्टिकुलर ये टिश्यू में गया, इसके बाद ये हमारा एक एक सेल में पहुँचेगा। जैसे जैसे सेल में पहुँचेगा ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा, मीन्स डिजॉल्व हो जाएगा, और इन रिटर्न में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा CO2 है वो हमारा ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा और हमारी बॉडी से लंग्स के थ्रू बाहर निकलेगा। और यहीं पे हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।